गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोपरिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीव द्वारा भोजन प्राप्त करने की जो विधि है उसको हम पोषण कहते हैं या न्यूट्रिशन कहते हैं। आइए आज हम समझने का प्रयास करें कि न्यूट्रिशन कितनी तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। जो सबसे पहला न्यूट्रिशन है हम देखेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम देखते हैं कि ऐसे जीव या ऐसा न्यूट्रिशन का प्रोसेस जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, खुद करता है। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें हमारे एग्जाम्पल्स हैं ग्रीन प्लांट्स। दूसरा है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। मतलब ये पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन तो नहीं निर्माण करता परंतु अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। इस प्रकार की पोषण विधि को हम विषम पोषी पोषण या जीवों को विषम पोषी कहते हैं। दो प्रकार के अन्य प्रकार के जो पोषण हैं वो थोड़े अलग हैं, थोड़े विशेष हैं। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट आर पैरासाइट्स? परजीवी क्या होते हैं? ऐसे जीवधारी जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं और उन जीवों को नुकसान पहुंचाए बिना या नुकसान पहुंचाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे शरीर में कुछ ऐसे कृमि हैं, वर्म्स हैं, वायरसेस बैक्टीरिया कृमि श्रेणी में आते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके हमसे वो भोजन प्राप्त करते हैं और कई बीमारियां भी उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए और भी हैं जैसे लाइस, जुएं, ये भी एक पैरासाइट है। कुछ पौधे भी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या परजीवी होते हैं जैसे अमर बेल या कसकटा। ये भी एक प्रकार के परजीवी पौधे हैं जो दूसरों पौधों से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। चौथा जो है वो मृत जीवी या सेप्रोफाइट्स। मतलब ऐसे जीव जो मृत जीवों से अपने पोषण को प्राप्त करते हैं। इनको हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। इनका जो प्रमुख रोल है डिकम्पोजिशन का है, डिकम्पोजर्स का भी है। इनका प्रमुख रोल रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स का है, पुनर्चक्रण। मतलब मिट्टी से हमने देखा कि वो पुनः न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने का एक अहम भूमिका निभाते हैं। ये उदाहरण में ईस्ट है, मशरूम है, ये सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें पाया जाता है। तो हमने देखा चार प्रकार के जो न्यूट्रिशन हमारे हैं, ऑटोट्रॉफिक स्वपोषी पोषण, हेटरोट्रॉफिक विषम पोषी पोषण, पैरासिटिक परजीवी और सैप्रोफिटिक मृत जीवी पोषण है। आइए हम डिटेल में सबसे पहले अपना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को देखते हैं। क्या है ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? हम छोटी कक्षाओं से लगातार एक प्रक्रम पढ़ते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। क्या है ये प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस? इस प्रोसेस में हमने देखा कि हरे पौधे ग्रीन प्लांट सूर्य की रोशनी से अपना भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रम में पौधे में उपस्थित क्लोरोफिल एक अहम भूमिका निभाता है। आइए हम डिटेल में पढ़ते हैं ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। हम इसको एक समीकरण के रूप में देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? हरी पत्तियों में। पत्तियां हरी ही इसी वर्णक के कारण होती हैं क्लोरोफिल। इसका रोल हम आगे समझेंगे। क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में C6H12O6 मतलब ग्लूकोज का निर्माण होना,
यही पौधे का क्या है, भोजन है। प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो हमने देखा कि समीकरण अगर हम बात करते हैं तो किसी भी समीकरण के दो मुख्य भाग हो गए, एक हो गए आपके अभिकारक मतलब रिएक्टेंट्स। तो हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जो इक्वेशन है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल एक कच्चे पदार्थ के रूप में लिए जाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के कच्चे पदार्थ क्या हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और साथ साथ है भूमिका इनकी क्लोरोफिल और सनलाइट की। तो ये चार चीजें हमें फोटोसिंथेसिस में आवश्यक होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। अब उत्पाद के रूप में हमें क्या मिल रहा है, ग्लूकोज मतलब भोजन प्लस ऑक्सीजन। हम जानते हैं कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। अब ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है, इसी प्रक्रम के द्वारा हमें ये ऑक्सीजन प्राप्त होता है और जल का अणु। ये एक संतुलित समीकरण है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को प्रदर्शित करता है। तो हमने देखा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक हमें वर्ड मिला फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। आइए हम देखते हैं दूसरा कि प्रकाश संश्लेषण की इवेंट्स कौन कौन से चरण हैं, प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से चरण हैं, और इनमें हम इनकी भूमिका भी देखेंगे कि क्लोरोफिल का कार्य क्या है। जो सबसे पहला चरण है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, चरण नंबर 1 एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। तो सबसे पहला कार्य किसका आ गया, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का, अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। मतलब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल द्वारा सूर्य ऊर्जा को ग्रहण करना, दूसरा प्रोसेस, दूसरा चरण, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो जल के अणु हैं ये विखंडित हो जाते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब देखिए वो ऑक्सीजन कहां से आया, ये जल के विखंडन से, मतलब जल के अणु विखंडित होते हैं, H2O डिकम्पोज करता है H2 प्लस O2 में। यही O2 क्या है, पौधा वायुमंडल में त्याग देता है। तीसरा चरण कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा, मतलब सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। चौथा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में चयन होना। ये चार चरण हमारे, हालांकि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, आगे आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसको शॉर्ट में हम इन मुख्य चार चरणों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल द्वारा ऊर्जा को अवशोषित करना, जल के अणुओं का विखंडन होना, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तीसरा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, और चौथा है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। अब प्रश्न आता है कि
ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पाए कहां जाते हैं? हमने देखा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस का स्थान कहां है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको हम हरित लवक का नाम देते हैं। क्या है हरित लवक? नाइन्थ क्लास में हमने सेल कोशिका वाले चैप्टर में देखा था कि एक कोशिका में कोशिकांग पाए जाते हैं, तो हरित लवक भी एक कोशिका का भाग है जो केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहते हैं। अब ये हरित लवक पाए कहां जाते हैं? अगर हम पत्ती की अनुप्रस्थ काट लेते हैं, मतलब किसी लीफ को हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, मान लो हमने ये पत्ती ले ली और उसकी हम एक पतली सी परत काटकर माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम देखते हैं, तो हमने देखा जो पत्ती की दो सतह हो गई, एक ऊपर की और एक नीचे की, एपिडर्मिस लेयर कहा हमने, अपर एपिडर्मिस, और इसी तरह नीचे की सॉरी लेयर हो गई जिसको हम लोअर एपिडर्मिस का नाम देते हैं, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। अब जस्ट बिलो द अपर एपिडर्मिस, मतलब अपर एपिडर्मिस के नीचे स्तंभाकार कोशिकाएं, पिलर लाइक सेल्स हैं, जिनको हम पैलिसेड सेल्स का नाम देते हैं। पिलर लाइक सेल्स हैं, पैलिसेड सेल्स। इन्हीं पैलिसेड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, इन्हीं पैलिसेड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट का जो मुख्य घटक क्लोरोफिल होता है वर्णक के रूप में, जैसे हमारे रक्त के लाल रंग का होना हीमोग्लोबिन के कारण है, हीमोग्लोबिन एक वर्णक है जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, इसी तरह पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने के लिए जो वर्णक है वो है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल का जो मुख्य कार्य है सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित कर उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो क्लोरोफिल हमने देखा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का एक अहम हिस्सा है। अब हमने देखा कि जो अपर एपिडर्मिस या लोअर एपिडर्मिस, कुछ एपिडर्मल कोशिकाएं विंडोज बनाती हैं। विंडोज मतलब जहां से गैसों का आदान प्रदान होना है, जहां से हमने देखा कि सूर्य की रोशनी प्रवेश करेगी, जहां से जो अतिरिक्त जल है ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकलना है। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम स्टोमेटा का नाम देते हैं या रंध्र। नौवीं कक्षा में भी हम इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं, रंध्र क्या है, उनका कार्य क्या है। तो आइए फिर हम देखते हैं कि अपर एपिडर्मिस की कुछ कोशिकाएं रूपांतरित हो जाती हैं द्वारक कोशिकाओं के रूप में और रंध्र का निर्माण करती हैं। इसी रंध्र द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विमिनेश होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, और साथ साथ ट्रांसपिरेशन प्रोसेस द्वारा, वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा अतिरिक्त जल इन्हीं स्टोमेटा से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए हम स्टोमेटा के डिटेल स्ट्रक्चर्स को देखने की कोशिश करें। स्टोमेटा क्या है? एक कोशिकांग है। कहां पाया जा रहा? अपर एपिडर्मिस में। अगर हम एक स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो दो किडनी शेप स्ट्रक्चर, वृक्क के आकार के दो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, जिनको हम वॉर्ड सेल्स कहते हैं या द्वारक कोशिका। बीच में आप देख रहे होंगे कि ये एक ओपनिंग है जिसको हम स्टोमेटल ओपनिंग भी कहते हैं।
स्ट्रोमेटल ओपनिंग, रंध्र द्वार। अब ये अतिरिक्त कोशिकाओं से घिरे हुए हैं, मतलब ये हमारा एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर हो गया है। अब ये एक तरह का कोशिका है, गार्ड सेल्स हैं, तो इसमें न्यूक्लियस ही पाया जाएगा, वैक्यूल्स ही पाए जाएंगे, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है कई बार। तो हमने देखा कोशिका में जो एक प्रमुख कोशिकांग होते हैं वो इसमें भी पाए जाएंगे। ये रहा हमारा स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। अब हमने देखा कि स्टोमेटा दिन के समय खुल जाते हैं और रात में ये बंद हो जाते हैं, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा टेक प्लेस। अब ये कैसे खुलते या बंद होते हैं, हाउ डू स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो दिन में होता क्या है, ड्यूरिंग डे। अब हमने देखा ड्यूरिंग डे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हो रही है, स्टोमेटा में भी हो रही है क्योंकि उसमें भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने के कारण स्टोमेटा के अंदर का जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज करता है, मतलब इंक्रीज इन ग्लूकोज लेवल ड्यूरिंग डे। अब हमने देखा कि यहां पे एक कंसंट्रेशन डिफरेंस आया, मतलब जो बाहर की कोशिकाएं हैं द्वारक कोशिकाओं के सहायक कोशिकाएं, इनको सहायक कोशिकाओं का नाम भी देते हैं, मतलब वाटर कंसंट्रेशन जल की सांद्रता सहायक कोशिकाओं में ज्यादा और द्वारक कोशिकाओं में जल की सांद्रता कम। क्या होगा जल, एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस द्वारा क्या है, जल सहायक कोशिकाओं से द्वारक कोशिकाओं में प्रवेश करेगा और ये स्वेल कर जाएंगी, फूल जाएंगी। इंक्रीजिंग ग्लूकोज लेवल, वाटर मूव्स फ्रॉम सब्सिडियरी सेल्स टू स्टोमेट गार्ड सेल्स। एज अ रिजल्ट गार्ड सेल्स स्वेल्स एंड स्टोमेटा ओपन, मतलब जैसे ही जल इनमें प्रवेश करेगा ये फूल जाएंगे और स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। What happens during night? अब रात में क्या होता है, जो ग्लूकोज बना है अब वो कन्वर्ट होने लगेगा किसमें, स्टार्च में। जो हमारा जो स्टोर मटेरियल है ग्लूकोज, किस फॉर्म में स्टोर होगा, स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स में, और यही एनिमल्स में हम देखते हैं ग्लाइकोजन, चर्बी जो हम खाते हैं ना, जो बहुत खाते हैं एक्सरसाइज नहीं करते तो क्या होता है, वो मोटे होते हैं क्योंकि वो एनर्जी जितनी कंज्यूम कर रहे हैं उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो बॉडी क्या करेगी, उसको स्टोर कर लेगी किसके, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। एनिमल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी और प्लांट्स में किस फॉर्म में जाएगी, स्टार्च के फॉर्म में। अब ये स्टार्च में कन्वर्ट होने लगेगा, अब दोबारा कंसंट्रेशन डिफरेंस होने लगेगा, वाटर का लेवल जो है जो अंदर गया था पानी वो अब वापस आना शुरू करेगा, मूव आउट करने लगेगा। एग्जोस्मोसिस मतलब इसमें हमारा एंडोस्मोसिस हो रहा है, अब इसमें क्या हो गया, एग्जोस्मोसिस मतलब गार्ड सेल से वाटर मूव करेगा किसमें, सहायक कोशिकाओं में, सब्सिडियरी सेल्स में। एज अ रिजल्ट जो गार्ड सेल्स हैं वो क्या कर जाएंगे, उस समय पहले स्वेल कर रहे थे, अब क्या करेंगे, श्रिंक कर जाएंगे, क्या करेंगे, श्रिंक हो जाएंगे। अब श्रिंक जब होंगे तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज। तो हमने ये देखा कि जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है इट इज ओनली ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जल के अणुओं का जो गति हो रहा है, जो सहायक कोशिकाओं से आपके गार्ड सेल द्वारक कोशिकाओं में और द्वारक कोशिकाओं से सहायक कोशिकाओं में जो पानी मूव कर रहा है
इसी कारण स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं, दिन में ये खुल जाते हैं, रात में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे हम फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस को है, कंडीशंस को है, उनको हम एनालाइज करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।